अगर आप सोच रहे हो जैसे अपने पेरेंट्स का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना या फिर रिलेटिव्स का या फिर किसी और का, ठीक है, लॉग इन करने के बाद आप ना भाई क्लिक करना कंटिन्यू। तो गाइस जब आपने ये सारा फिल कर दिया उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सको। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टाइटल भी आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि हाउ टू अप्लाई ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट वीजा वो अप्लाई कर सको, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में बात करेंगे, फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में बात करेंगे, और यार और भी बहुत सारे काफी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जिसकी जरूरत पड़ेगी जब आप भी अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा वो अप्लाई करोगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कंप्लीट मैं इस वीडियो के अंदर। और इवन यार मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि भाई स्टेप बाय स्टेप क्या क्या फॉलो करना है, मतलब ये किस तरह पूरे का पूरा आपका जो वीजा है उसकी प्रोफाइल कैसे रेडी करनी है। और इवन यार लास्ट मंथ मैंने अपने पेरेंट्स का जो टूरिस्ट वीज़ा वो अप्लाई किया था और विद इन वन डे जो टूरिस्ट वीज़ा वो ग्रांट हो गया था, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट आप कुछ देख भी रहे होंगे यहाँ, तो उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर टूरिस्ट वीज़ा के। अगर आप सोच रहे हो जैसे अपने पेरेंट्स का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना या फिर रिलेटिव्स का या फिर किसी और का ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना, अगर भाई आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल फ्री है यार, चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि फ्यूचर में अगर और भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगी भाई, अगर आपने चैनल वो सब्सक्राइब कर लिया। तो भी अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स गो टू माय कंप्यूटर स्क्रीन और उसके ऊपर देखेंगे जो पूरी प्रोसेस क्या है। तो भी मेक श्योर वीडियो ना एंड तक देखियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भी सबसे पहले आपको जाना है गूगल के ऊपर और वहां पे लिखना अपना ईमी अकाउंट ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी आपको ये फर्स्ट लिंक मिल गया ईमी अकाउंट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका इसके ऊपर अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो नीचे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट है, ठीक है, वो क्रिएट कर सको। बिल्कुल ईजी सी प्रोसेस है यार, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो जब आपने यार अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया ईमी अकाउंट, उसके बाद आप इसमें लॉग इन कर सको, ठीक है। लॉग इन करने के बाद आपने भाई क्लिक करना कंटिन्यू एंड देन आपने क्लिक करना भाई न्यू एप्लीकेशन। तो जब आप न्यू एप्लीकेशन ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी भी आपको किस चीज़ की, किस चीज़ के लिए अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना विजिटर, ठीक है, और विजिटर में हमें भी सेलेक्ट करना, विजिटर में जैसे ई विजिटर है, विजिटर वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है भाई विजिटर वीज़ा 600 सब क्लास, ठीक है। तो आपने भाई इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद भाई ये कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म एंड कंडीशन। आप चाहो तो भाई ना पढ़ सको अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पढ़ ली एंड देन वी गोना डू क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आ गया भाई करंट लोकेशन, इज द एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि भाई जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो एप्लीकेंट है मेन एप्लीकेंट, जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या भाई वो आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो इसमें आपने क्लिक करना है यस, या फिर कोई और भी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो तो यहाँ पे, ठीक है, तो अपना इस पे यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आ गई भाई उनकी करंट लोकेशन, कि उनकी करंट लोकेशन अभी क्या है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। तो भाई यहाँ पे आ गया उनका लीगल स्टेटस, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है कि उनका जो लीगल स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर, तो दैट इज़ सिटीजन। तो भाई यहाँ पे आ गया उनका पर्पज़ ऑफ स्टेज, ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप ये क्लिक कर सको, तो यहाँ पे आपने मिल जाएगा कि भाई पर्पज़ ऑफस्टे में क्या सीन होगा, ठीक है, स्पॉन्सर के लिए अगर आप स्पॉन्सर फैमिली स्ट्रीम अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या फिर ट्रैवलर का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे आ गए, या फिर टूरिस्ट स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर भी आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो जैसे फैमिली में, ठीक है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सको, तो इसमें आपका एक फॉर्म भी लगेगा यार अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो। अगर आप बेसिकली अपना जैसे टूरिस्ट वीज़ा अपनी फैमिली का कर रहे हो, ठीक है, तो अगर जैसे पेरेंट्स वगैरह का, तो आप यार ये टूरिस्ट स्ट्रीम ये भी सिलेक्ट कर सको, ठीक है, इसमें अगर जो फैमिली वगैरह और फ्रेंड्स वगैरह टूरिज्म इसी के अंदर आ जाए, ठीक है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर लियो। उसके बाद आ गया भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई लिस्ट ऑल रीजन फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो अपना सारे रीजन बताने, तो इसमें आपका आ गया भाई जैसे यहाँ पे फैमिली विजिट, अगर आप अपने पेरेंट्स का अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप फैमिली विजिट लिख सको। टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये टूरिज्म हो जाएगा। कुछ बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फैमिली के लिए, अगर इन केस सो दैट यू कैन सेलेक्ट फैमिली, तो इसमें बता रहा है गिव डिटेल्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन विच एप्लीकेंट नीड टू इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें यार अपना रफली क्या करना, अपना एक डेट्स बतानी कि भाई कब वो आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे। तो इसमें आपको ना टिकट वगैरह नहीं करवानी अभी, क्योंकि टिकट आप बाद में कराओगे, अपना सिर्फ एस्टिमेशन डेट बतानी, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता दूँ कि भाई, ठीक, उसके बाद आप अपना रीज़न देना या फिर कुछ और देना, आप थोड़ा सा और लिख सको इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया,
और इसके बाद आ गया भाई ग्रुप प्रोसेसिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग क्या सी नो, अगर जैसे आपके आप ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पेरेंट्स का अप्लाई कर रहे हैं, अपने फादर का भी और अपनी मदर का भी दोनों का अप्लाई कर रहे, तो यहाँ पे भी आप यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप आईडी मिल जाएगी। ठीक है, सेलेक्ट ग्रुप। तो आपने अगर अभी तक ग्रुप, जैसे आप फर्स्ट एप्लीकेंट का अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने फादर का अगर आप पहले अप्लाई कर रहे, अपनी मदर का अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, तो अपने फादर का तो आप यहाँ पे एक जो आईडी है वो क्रिएट कर सको, हैज़ द ग्रुप ऑलरेडी बीन क्रिएटेड नो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे तो आप ग्रुप आपका क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इसमें नो, तो इसमें आप ग्रुप नेम दे सको, जैसे फैमिली नेम दे दिया। ठीक है, ग्रुप टाइप में भी भाई आप फैमिली भी इसमें ऐड कर सको यहाँ पे। ठीक है, कन्फर्म। तो यहाँ पे आपकी एक ये ग्रुप आईडी क्रिएट होगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी ग्रुप आईडी है। तो इसकी यार आपको ज़रूरत पड़ेगी जब, जैसे ये आपका फादर का हो गया, अगर जो ये एप्लीकेशन आपके फादर की होगी, जब आप अपनी मदर की एप्लीकेशन अप्लाई करोगे नहीं, ठीक है, तो आपको ये ग्रुप आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे भी आप ग्रुप आईडी पे जब यस क्लिक करोगे ना, तो आप इसको सेलेक्ट कर देना, तो आपकी दोनों जो आपका फादर का और आपका मदर का, ठीक है, तो दोनों ये भी टैग हो जाएंगे। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है, जो भी जब वो उसको चेक करेंगे, ठीक है, अपनी आपकी एप्लीकेशन से गो थ्रू होएंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ग्रुप आईडी है और दोनों कनेक्टेड है, मतलब कि जो आपका फादर का भी और उसका भी। ठीक है, मे बी दे आर इन फैमिली स्ट्रीम, तो वो दोनों को एक साथ फाइनलाइज कर देंगे। तो भाई ये ग्रुप जो प्रोसेसिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर इसमें भी आप सेलेक्ट कर लियो यस। इसके बाद आ गया भाई स्पेशल कैटेगरी फॉर एंट्री। ठीक है, इज द एप्लीकेंट ट्रैवलिंग एज रिप्रेजेंटेटिव फॉरन गवर्नमेंट ट्रैवलिंग यूनाइटेड नेशन, इसमें आएगा नो। ठीक है, उसके बाद भी हमने नेक्स्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया भाई पासपोर्ट की सारी डिटेल्स। ठीक है, तो जो भी आपका यार फॉर एग्जांपल आपके फादर का अप्लाई कर रहे हो, तो उनकी पासपोर्ट में जो भी उनका फैमिली नेम है, ठीक है, उनका गिवन नेम है, वो यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, उनका पासपोर्ट नंबर हो गया, कंट्री ऑफ पासपोर्ट हो गया, नेशनैलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर, ठीक है, अगर यहाँ से इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू, भाई आपका जो पासपोर्ट है वो कब इशू हुआ था, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट, सॉरी आपका नहीं, आपके जब आपका फादर का अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उनकी डेट ऑफ इशू क्या थी, उनका एक्सपायरी डेट क्या है जो भाई पासपोर्ट का, और उसके इशूंग अथॉरिटी, ठीक है, ये भी पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है भाई। और इसके बाद आ गया भाई नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, ये हो गया आपका आधार कार्ड। सो डज द एप्लीकेंट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, तो आधार कार्ड है, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से भाई फिर ऐड कर देना इसमें। तो यहाँ पे अगेन आपका फैमिली नेम जाएगा यहाँ पे, गिवन नेम जाएगा भाई, और जो आधार कार्ड का नंबर है वो जाएगा यहाँ पे, और कंट्री ऑफ इशू जाएगा जैसे इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू में कब हुआ था वो आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, और उसके बाद भी आपको कन्फर्म कर देना। ठीक है, ये एरर आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं, तो मैं इसको क्विकली लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऐसा कुछ डालना, ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आपको जो राइट डिटेल्स हैं, ठीक है, आप वही डालियो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया अभी आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड। पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड इज थ्रू द इन्विटेशन फॉर पैसिफिक लीडर, ठीक है, इसमें नो आएगा यार, ये आपका कोई सीन नहीं है इसका। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आ गया कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है क्या, वो आपको यहाँ पे ऐड करना, स्टेट ऐड करनी, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है, जो पासपोर्ट में लिखी होगी सारे के सारा वो ऐड कर देना। रिलेशनशिप स्टेटस भाई आप यहाँ से सेलेक्ट कर सको कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, और उसके बाद भाई इज़ द एप्लीकेंट करंटली और हैव एन नोन बाई अदर नेम्स, अगर उसको किसी और नाम से भी, सो इन दैट आवर केस इज़ नो। सिटीजनशिप, इज द एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ सेलेक्टेड कंट्री ऑफ ए पासपोर्ट, यस। इज़ द एप्लीकेंट एनी अदर कंट्री, अगर आपके पास आपके अगर आप फादर का अप्लाई कर रहे हो, उनके पास अगर किसी और कंट्री की भी सिटीजन है, तो यहाँ से यस, अदरवाइज जस्ट नो। अगर पासपोर्ट पे तो इंडियन है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली। प्रीवियस ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, अगर भाई आप प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर चुके हो, ठीक है, तो आपको भाई यस, नहीं तो फिर यहाँ पे नो। हैज़ द एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाई टू वीजा टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया है ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट कोई भी यार वीज़ा, तो यहाँ पे यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे अगर आपने किया है, ठीक है, तो वो ग्रांट नंबर भी यहाँ से पूछेगा भाई कि ग्रांट नंबर क्या है। सो डज द एप्लीकेंट हैव एनी अदर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, यस, अदरवाइज भी आपने यहाँ से नो सेलेक्ट कर लेना। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, डज द एप्लीकेंट हैव एनी अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अगर इसके अलावा आपके पास कुछ और है, देन यस। तो यहाँ पे भी आप जैसे पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास पैन कार्ड है, वोटर कार्ड भी आप ऐड कर सको यहाँ पे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मतलब कि आप अपने आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट ऐड करोगे, ठीक है, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हो, सो दैट इज़ गुड। तो हेल्थ एग्जामिनेशन, ठीक है, हैज़ द एप्लीकेंट अंडरटेकन अ हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इन द लास्ट 12 मंथ, तो अगर आप भाई पिछले
12 मंथ्स में कोई आपने एग्जामिनेशन दी है, मतलब कि अपना मेडिकल वगैरह करवाया आपने ऑस्ट्रेलिया वीजे का, तो आप यहाँ पे यस अदरवाइज नो। तो गाइज, तो जब आपने ये एप्लीकेशन यहाँ पे फिल कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे सारी आपकी डिटेल्स आ जाएगी, आपने जो जो डिटेल ऐड करी है, ठीक है, इज़ द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, देन यू से यस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा भाई। सो नेक्स्ट में आ गया, इज़ देर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद एप्लीकेंट टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप किसी और, अगर जैसे आप अपनी मदर का भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे यस क्लिक कर लेना, ठीक है, तो उनकी डिटेल्स जाएंगी। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ फॉर नाउ, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ यार। तो यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ गया कि यूजली कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, यहाँ पे चूज़ कर लिया हमने जैसे इंडिया। ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस यहाँ पे करना अपना भाई इंडिया, यहाँ पे न्यू दिल्ली चूज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई रेजिडेंशियल एड्रेस जाएगा, अगर आपका इंडिया का आपका भाई क्या एड्रेस है, ठीक है, आपको वो एड्रेस लिख देना है यहाँ पे। तो गाइज, यहाँ पे आपने आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस फिल कर देना, ठीक है, ऑफिस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे भी आपका एड्रेस जाएगा जो आपका एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका पोस्टल एड्रेस सेम ही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना। आपका फ़ोन नंबर ऐड होएगा, आपका भाई ईमेल एड्रेस ऐड होएगा। तो गाइज, जब आपने ये सारा फिल कर दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सको। तो भी नेक्स्ट पे आ गया अपना ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, डज द एप्लीकेंट ऑथराइज अनदर पर्सन टू रिसीव रिटन कोरोस्पॉन्ड ऑन देयर बिहाफ। तो ऑथराइज्ड पर्सन वो होएगा भाई, अगर जैसे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, यस अनदर पर्सन। तो इसमें भी आपके डिटेल्स जाएंगी सारी, जैसे आपका नाम जाएगा, आपका एड्रेस जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर जाएगा और आपका ईमेल एड्रेस जाएगा, देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो इसमें आपको एक फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। तो फॉर नाउ, अगर आप भाई खुद अप्लाई कर रहे हो आप खुद के लिए, तो आप यहाँ पे भाई नो सेलेक्ट कर सको। तो फॉर नाउ टाइम बिंग मैं इसको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देता हूँ, नहीं यार फिर मैं पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा उसमें। सो गाइज, आफ्टर दैट भी आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। तो भी जो आपका नेक्स्ट पेज होएगा वो होएगा नॉन अकम्पनी मेंबर्स ऑफ फैमिली यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डज द एप्लीकेंट हैव एनी मेंबर ऑफ देयर फैमिली यूनिट नॉट ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया हु आर नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो इंडिया के अंदर है, जो भी आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा, तो आप उसको यहाँ पे यस कर सको और उसकी डिटेल्स अब ऐड कर सको। ये यार थोड़े आपको इसके अंदर ये शो करता है कि भाई आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं और आप भाई वापस आओगे उस सीन में, ठीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ नहीं ट्रैवल कर रहा और वहीं वो जैसे इंडिया के अंदर रहेगा, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सको और उसके बाद उसको ऐड कर सको यहाँ पे। तो उसके बाद भाई नेक्स्ट। तो भी जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें आ गया आपका ये, ठीक है, इसमें आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन। अगर आप भाई एक से ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया आओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना। अगर सिर्फ एक बार ही आओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डज द एप्लीकेंट प्लान टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। आपके कितना प्लान है कि आप कितना टाइम तक ऑस्ट्रेलिया में रहोगे, आपने आपका जो लेंथ का स्टे है वो सेलेक्ट कर लेना। आप 3 मंथ तक भी सिलेक्ट करो, उसको 6th भी और 12th भी। अगेन ये यार डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के ऊपर है कि भाई वो आपको कितना वीज़ा देगा। आप अपना सिर्फ एस्टिमेशन बोल सको उनको, 3 मंथ्स का, 6th का या फिर 12th का। अगर आप टू 12th मंथ है, तो इस केस में यार आपका मेडिकल भी आएगा, वो आपको मेडिकल के लिए पूछेंगे। और यूजली अगर आप 3 मंथ्स का बोल रहे हो, तो यार 3 मंथ्स में वो पूछते नहीं कि भी आपको मेडिकल वगैरह के लिए भी जाना है। तो ये है, तो यार आपके ऊपर है कि आप भाई कोई सा भी सिलेक्ट कर सको, ठीक है। 3 मंथ्स मैंने वैसे सिलेक्ट कर लिया। तो भी प्लान्ड अराइवल डेट कि आपके भाई क्या डेट है अराइव की, तो आपने कोई आपने क्योंकि जो भी यार प्लान्ड आपके लिए, ठीक है, तो वो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी। और भाई जो डिपार्चर की डेट है, ठीक है, आप वो सिलेक्ट कर लियो। मैं वैसे इसमें कुछ ही रैंडम ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो विल द एप्लीकेंट अंडरटेक टू कोर्स, अगर भी आप वो स्टडी करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, आवर केस इज़ नो। विल द एप्लीकेंट विजिट एनी रिलेटिव्स फ्रेंड एंड कॉन्टैक्ट डिटेल वाई इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर वो किसी से यहाँ पे जैसे अगर उसका कोई आपका अगर जैसे आप पेरेंट्स का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी यहाँ डिटेल आएगी, क्योंकि वो आपसे विजिट करने के लिए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो आपका यहाँ पे यस पे क्लिक होएगा और उसके बाद भाई आपकी सारी डिटेल्स ऐड होएंगी, ठीक है। आप मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट साथ में रखियो, क्योंकि आपका एड्रेस, आपकी आइडेंटिफिकेशन आईडी, ठीक है, नेम वगैरह, तो आपकी हर एक चीज़ ऐड होएगी, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो आप इसका यहाँ से यस सेलेक्ट कर सको। अगर भाई आपका कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सको, ठीक है। तो इसमें मेक श्योर आपके पास पूरी डिटेल हो जब भाई आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर रहे हो।
तो उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं हम वीज़ा एप्लीकेंट करंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओवरसीज़ में भाई आपका क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। ठीक, अगर भाई जैसे एम्प्लॉयड अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप एम्प्लॉयड, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड अगर भाई खुद का कोई बिजनेस वगैरह है, रिटायर्ड और देन यू कैन सेलेक्ट दैट वन, स्टूडेंट एंड अदर। ठीक है, तो इन आवर केस आई सेलेक्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे भी आपने बताना है कि किस चीज़ में सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो मेरे फादर साहब जैसे भाई फार्मिंग के अंदर हैं, तो हमने यहीं से हमने अदर सेलेक्ट किया था। ठीक है, ऑक्यूपेशन यहाँ पे फार्मिंग डाल दी थी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिस भी भाई आई थिंक फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस जाएगा भाई, और भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाएंगे, तो ये सारा कुछ आपने फिल कर लेना इसमें। अगर आप जैसे एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे, अगर आपके फादर साहब या फिर जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो उनकी ऑक्यूपेशन जाएगी यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन का जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो जाएगा, कब स्टार्ट किया था, ठीक है, वो जाएगा भाई, और भाई कंट्री, एड्रेस, सबर्ब, स्टेट एंड पोस्टल कोड, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह, बिजनेस का फ़ोन नंबर जाएगा, बिजनेस का ईमेल एड्रेस जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ इसके अंदर भाई ऐड कर देनी है, एंड देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो भी जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आएगा फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है। ठीक है, इसमें अपना शो करना फंडिंग डिटेल्स, तो इसके अंदर आएगा भाई अगर आप खुद ही फंड कर रहे हो, या फिर जैसे अगर कोई और पर्सन आपकी फंडिंग कर रहा है सारी की सारी, या फिर भाई सपोर्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है, या फिर ओवरसीज एम्प्लॉयर्स फंड कर रहा है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें भाई आपके फंड्स वगैरह की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है, अगर आप सेल्फ फंडेड हो, खुद ही फंड कर रहे सारा, ठीक है, तो अगर जैसे कोई भाई आप ऑस्ट्रेलिया से स्पॉन्सर कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो यहाँ पे आप अपनी भाई सेविंग अकाउंट्स की डिटेल्स डाल सको, मतलब कि भाई किस वे में शो कर रहे फंड्स, तो देन यू कैन से सेविंग अकाउंट। अगर इंडिया में जैसे कोई एफडी वगैरह है आपकी, ठीक है, तो एफडी इन, तो मेक श्योर जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो ना भाई, ये इसके आपको आगे जाके भाई डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे, तो मेक श्योर आप जो भी लिखो वो प्रिसाइज हो, आपके पास डॉक्यूमेंट हो। तो जैसे मैं, अगर आप सेविंग अकाउंट का लिख रहे हो, तो आपको भी सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शंस वगैरह, मतलब कि जो उनकी बैंक की समरी, आपको वो अटैच करनी पड़ेगी। पे स्लिप्स है यहाँ पे आप अटैच कर सको, उसके बाद एफडी वगैरह है, ठीक है, उसकी सारी आपको समरी वगैरह अटैच करनी पड़ेगी भाई यहाँ पे। अगर कुछ और है आपका फंड्स वगैरह में, कुछ और ऐड कर रहे हो आप, तो जो भी आप लिख रहे हो मेक श्योर आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो भाई, जो भी आप फंडेड में यहाँ पे डाल रहे हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो जितना ज़्यादा आप भी यहाँ पे फंड्स दिखा सको आपके लिए उतना ही बेटर है। देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये आ गया भाई, इसके बाद ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये हेल्थ डिक्लेरेशन से हैं, यहाँ पे इसका भी नो आ गया भाई। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस पढ़ लियो यार एक बार, ये हेल्थ से रिलेटेड है, बिन चार्ज एंड, ठीक है, ये सारे उसके करेक्टर डिक्लेरेशन आ गए भाई यहाँ पे। ठीक है, तो आप इनको एक बार इनसे गो थ्रू हो जियो यार, यहाँ पे सारा नो ही आएगा मोस्टली। ठीक है, आप गो थ्रू हो जियो इनसे सबसे। ठीक है, मेक श्योर यार आप इन सारी की सारी जो कंडीशन है, जैसे 8503, ये कंडीशन लगा मोस्टली जब आप जैसे नो फर्दर स्टे की, अगर आप रिलेटिव्स वगैरह का अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी और का अप्लाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आप भाई फर्दर स्टे नहीं कर सकते। और कहीं जैसे टूरिस्ट वीज़े में, बहुत सारे वीज़े में हुआ भाई ये कंडीशन 8503। तो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यस 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 यस, ठीक है, एंड दिस एंड दैट, यस, एंड देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर आप ना भाई, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द एप्लीकेंट वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रायोरिटी कंसिडरेशन फीस फॉर सर्विस। अगर आप ना फास्ट ट्रैक में डालना है, तो आप यस यहाँ पे क्लिक कर सको। फास्ट ट्रैक में क्यों हुआ यार, आपका विद इन 2 डेज आपका ये सारा प्रोसेस हो जा, लेकिन इसके चार्जेस ज़्यादा हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करो और उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो भाई ये आपकी पूरी की पूरी वो आ जाएगी, अपना जो डाल रखे आपका पूरा प्रोफाइल रेडी हो जाएगा यहाँ पे। आप इससे गो थ्रू हो जियो कि भाई आपने जो जो डिटेल्स ऐड कर रखी हैं वो सही हैं या नहीं है, और उसके बाद भाई आपने क्या करना, उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट करना। उसके बाद भाई आपने आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो आपने बोल रखे थे, जैसे पासपोर्ट हो गया भाई, और आपके जो फंड्स के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो गया, और भाई जैसे नेशनल आधार कार्ड हो गया, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, और भाई जैसे आपके
बैंक की स्टेटमेंट्स हो गई और भी यार जितने फंड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो जो इसमें आए थे वो सारे के सारे अटैच करने इसके अंदर, और उसके बाद भाई इसकी फ़ीस होएगी वो होएगी आई थिंक $190, तो भी आप उसकी फ़ीस पे करनी एंड दैट्स इट गाइस। तो यही रही भी पूरी की पूरी प्रोसेस जो ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा उसकी। सो दैट्स इट गाइज, तो भाई ये अपनी प्रोसेस रही टूरिस्ट वीजे की, ठीक है। इसमें मैंने हर एक स्टेप कवर कर ली कि अपना कौन सी स्टेप फॉलो करनी जब आप अप्लाई कर रहे हो अपना टूरिस्ट वीजा। अगर इसके अलावा आपका यार कोई और क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू टूरिस्ट वीजा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो, मैं कोशिश करूंगा कि भाई हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया वीजा या फिर एनीथिंग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिए। सो दैट्स इट गाइज, बाकी फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी और भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लियो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।